अल्लाह फरमाता है कि याद करो उस वाक़े को जबकि ईसा इब्ने मरियम ने कहा अल्लाहुम्मा ए हमारे अल्लाह रब्बना ए हमारे रब अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा हम पर आसमान से एक दस्तरखान उतार। ईसा अलैहि सलाम मांग रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, आसमान से माइदा उतार, एक दस्तरखान उतार, यानी उसमें कई खिजाएं हों, कई पकवान हों, कई खाने हों, उन खानों को लेके दस्तरखान आसमान से जमीन पर आए, ऐसा दस्तरखान उतार परवरदिगार। तकूनु लना ईदन, वो दस्तरखान जो तू आसमान से हम हमारी तरफ उतारेगा, हम पर उतारेगा, वो हमारे लिए ईद बन जाएगा, ईद बन जाएगा। आसमान से उतरने वाला दस्तरखान ईसा अलैहि सलाम के लिए ईद और ईसा अलैहि सलाम के उम्मतियों के लिए ईद, जो सिर्फ ईसा अलैहि सलाम और उनकी कौम के लिए उतरे आसमान से। ईसा फरमा रहे हैं, आम आदमी नहीं, नबी हैं, रसूल हैं, उन्हें लाजम रसूल हैं ईसा अलैहि सलाम। ऐ अल्लाह हम पर आसमान से दस्तरखान उतार। अरबी जानने वाले, सरफो नहो जानने वाले और तफसीर जानने वाले हजरत, तकूनु मुअन्नस का सेगा है, यकूनु नहीं, मुज़क्कर का नहीं, मुअन्नस का सेगा है। तकूनु वो दस्तरखान मुजारे का सेगा है, अब भी हमारे लिए ईद बन जाएगा, आइंदा भी हमारे लिए ईद हो जाएगा। आए आसमान से जमीन पर मछली रोटी वगैरह गिजाओं को रखने वाला दस्तरखान ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी ईद, उनके हवारियों के लिए भी ईद, जब नाजिल हुआ तब भी ईद और आज भी ईद। तकूनु मुजारे का सेगा हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, कयामत तक के लिए मेरे लिए और मेरी उम्मत के लिए ये ईद बन जाएगा दस्तरखान। हजरत ईसा बोल रहे हैं क्योंकि दस्तरखान अल्लाह की जानिब से आ रहा है, तो जिस दस्तरखान में खाना हो वो ईद, और जिस रात में मुस्तफा हो अंजिल अलैना माइदतन मिनस समा आसमान से जो दस्तरखान आए वो ईद। अब मेरे रसूल की बात, खद जाकुम मिनल्लाही नूर, यकीनन तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की जात की तरफ से, आसमान की तरफ से नहीं, आसमान से नहीं, अल्लाह की जात से। यकीनन आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से, ये आसमान के पास से नहीं आया। आए आए क्या बोलूं, आसमान इसके पास से आया, जमीन इसके पास से आई, चांद इसके पास से आया, सूरज इसके पास से आया।